जानकारी के साथ। दोस्तों आज मैं आपको वो बात बताने जाऊंगा जो आपने कमेंट बॉक्स पे मेरे से प्रश्न किया है और आपने मुझसे जिस चीज़ के लिए कहा है, मैं आज उस कार्य को करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ आपके साथ। जहाँ मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ, इस जगह को भारत देश की राजधानी दिल्ली क्षेत्र में ITO जमुना किनारे पुल पर स्थित है, जहाँ एक छोटा सा पूजनीय स्थल बनाया हुआ है और इस समय मैं बाबा भैरवनाथ की एक प्रतिमा के साथ खड़ा हुआ हूँ। और मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ बाबा वीर कलवा पवन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बाबा वीर कलवा पवन के बारे में एक जानकारी देने जा रहा हूँ और कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ दोस्तों। तो जितना आपको मालूम है वो मुझे बताएं और जितना मुझे मालूम है वो मैं आपको बताऊँगा, और जो जानकारी सही होगी वो सही जानकारी हम और आप मिलकर समाज तक पहुँचाएंगे। जैसे कि खरदोनी मेरठ ज़िले में खरदोनी क्षेत्र में खरदोनी गांव में एक जगह है जहां पर बाबा कलवा पवन को खरदोनी वाला कलवा पवन कहा जाता है। कलवा पवन 56 कलवे कहे गए हैं। जी हां दोस्तों, जैसे कि चार वीर पैरों 84, 64 योगिनी और 56 कलवा, ये सब माता काली के अंश कहे गए हैं। कहीं ना कहीं माता काली के ही इर्द गिर्द दरबार में समाए रहते हैं, तो इनको हम गंदी शक्तियाँ नहीं कह सकते क्योंकि ये महाकाली के साथ जोड़े गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि 56 कलवों के बारे में बहुत लोग जानते हैं, जो काली को मानते हैं वो भी 56 कलवों के बारे में बहुत जानते हैं, जो काली को नहीं जानते हैं कलवा पवन को भी 56 कलवों में बहुत जानते हैं। कलवा पवन को 56 रूप ही कहा जाता है और 56 इनके रूप भी हैं, 56 कलवा भी हैं। तो जैसे कि 56 कलवा है, कुछ लोग कलवा पवन को किसी रूप में मानते हैं, कुछ लोग कलवा पवन को किसी रूप में मानते हैं, कोई इसे कलवा पवन कहता है, कोई इसे कलवा पवन कहता है, और कुछ लोग इसे कलवा प्रेत भी कहते हैं। और कई जगह जब कलवा पवन की सवारी आती है और उससे पूछा जाता है कि किस देश की सवारी है, तो उसका जवाब आता है कि भाई मैं तो छोटा मोटा जंगल का प्रेत हूँ। तो जिसके मुताबिक उसके शब्दों में खुद दर्शाया जाता है कि वह एक प्रेत योनि से है और वो कि एक कलवा पवन प्रेत योनि में मानव है। ये कोई भूत नहीं कहा जाता। भूत का तो असली अर्थ एक ही है दोस्तों, कि जो मर गया वो भूत है, जो बीत गया वो भूत है। इसलिए भूत तो हम और आप आज नहीं तो कल बन ही जाएंगे, और हर हाल में बनेंगे, और यदि झूठ बोलेंगे तो कोई भी हमारा भूत बनाने में देर नहीं लगाएगा। तो इसीलिए दोस्तों कलवा पवन खरदोनी वाले कलवा पवन 56 कलवा 56 रूप। दोस्तों आज इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात पूछने जाऊँगा। मैं खड़ा बेशक यहाँ पर हूँ जमुना किनारे, और मैं बहुत जल्द आपको खरदोनी लेकर चलूँगा और वहाँ इसके मुख्य स्थान पर इनके दर्शन भी कराऊँगा और वहाँ के बारे में जानकारी भी दूंगा। और आज मैं सिर्फ इतनी ही जानकारी दे सकता हूँ कि 56 रूप हैं, 56 कलवे हैं। और यदि आप सब जानते हैं कि 56 रूप और 56 कलवे हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आए और आकर 56 कलवों के 56 नाम बताएं। और यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरे साथ बने रहें खरदोनी चलने तक, और 56 रूपों की जानकारी के लिए मैं आपको 56 कलवों से रूबरू कराऊँगा अपने साथ ले चलकर, और 56 के 56 कलवों के नाम भी बताऊँगा और उनके काम भी बताऊँगा, भले और बुरे उनके काम क्या है। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। और इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 67 से मैं जितेंद्र बंसल, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए।